दोस्तों अभी अभी मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है सर मेरे वॉच टाइम जो है वो बिल्कुल से घट गया है। अगर मान लीजिए किसी का 4000 घंटे अभी पूरा होने वाला है तो उसमें से भी उनका 3000 घंटे जो है वैसे ही घट चुका है। अब ऐसे में उनके चैनल का क्या होगा, ये यूट्यूब की तरफ से ऐसा क्यों किया जा रहा है और ये क्या ये सबके साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे आपका चैनल इससे बच सकता है और क्या एक्चुअल में आपको वॉच टाइम जो है डिक्रीज़ किया जा रहा है यूट्यूब की तरफ से। ये एक बहुत बड़ा बग निकला है यूट्यूब की तरफ से, इसी के बारे में बात करते हो तो मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो गाइज अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर और मैं आपको अपने चैनल का एनालिटिक्स दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो ये इस मेरे वीडियोस पे 219 व्यूज़ है और आप ऑडियंस रिटेंशन देख सकते हो, 1 मिनट का तो मैक्सिमम है ही और उस हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पे 4 मिनट ओनली। तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया। अब यहाँ पे मैं दूसरी वीडियो को अगर बात करूँ तो 223 व्यूज़ हैं और 1 मिनट का ही इस पर रिटेंशन है और 4 मिनट ओनली। अब इस हिसाब से आप आइडिया लगाओ कि इतने सारे वॉच टाइम जा कहाँ रहा है, एक्चुअल में इतने व्यूज़ आ रहे हैं और यहाँ पे वॉच टाइम जा कहाँ रहा है, माइनस में जा रहा है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। अगर मैं फाइनली 7 डेज़ का करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो 743 मिनट। अब आपके हिसाब से कुछ ऐसा ही होगा। तो गाइस एक्चुअल में हुआ क्या है, यूट्यूब पे पहले क्या होता था कि जितना भी आपका वॉच टाइम होता था वो 1 मिनट में शो करता था, तो बहुत सारी यूट्यूबर को कन्फ्यूजन होती थी अपने वॉच टाइम को आवर्स में देखने में। तो वैसे में होता क्या था, आपको अपने वॉच टाइम को जो आपको मिनट में मिला रहता था उसे आपको डिवाइड करना पड़ता था 60 से, उस हिसाब से पता चल जाता था कि आपको टोटली कितने घंटे मिले हैं आपके यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस बहुत सारे लोग की ये कन्फ्यूजन होती थी कि किस तरीके से हमारा वॉच टाइम कंप्लीट होगा, वो एक तरीके से ना मिनट को घंटे में जोड़ लेते थे या घंटा भी अगर होता था तो वो मिनट में जोड़ लेते थे। इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए YT स्टूडियो में ये जो है अपडेट किया गया है और ये आपका जो वॉच टाइम जो आप कह रहे हो डिक्रीज़ हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका वॉच टाइम डिक्रीज़ नहीं हुआ है। हालांकि ये है कि जो आपको मिनट में दिखाता था ना वो आपको घंटों में दिखा रहा है। और नॉर्मल सी बात है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पे जो 4 देख रहे हो वो 4 एक्चुअल में मिनट नहीं है, यहाँ पे आवर है। पहले यहाँ पे क्या होता था, मिनट में आता था, तो अब जो है ये जो है आवर में है, इससे आपको कोई भी घबराना नहीं है, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। सो गाइस आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।